तो यहाँ पर जी केक हो चुका है तैयार और केक जो है बहुत ही स्पेशल है और साथ में जो है मोमोज और स्प्रिंग रोल से जो है लिखा गया है एक और उधर लिखा गया एम। हैप्पी बर्थडे कार्तिक। बहुत ज्यादा मूड ऑफ हो गया है। अपना जो है ड्रीम ड्रोन खरीदा था, 1.5 लाख के करीब जो है कॉस्ट पड़ा था और वह ड्रीम जो है आज क्या कहे पूरा होकर के फिर सब कुछ हो गया कूड़ा कबाड़ा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। जी अभी आप देख रहे होंगे कि हमें किचन में हमारा खाना लग गया है। कुछ देर पहले ड्रोन को जो है उड़ा करके आए हैं और लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि हम जो है अपना पार्क में प्रैक्टिस कर रहे थे और बालकनी आए थे कि सोचे थे बालकनी का जो है थोड़ा फुटेज लेंगे, लेकिन बात किया थी का जो है बैटरी थोड़ा सा हो गया डाउन और हवा बहुत तेज थी तो ड्रोन जो है पता नहीं हो सकता है कुछ सिस्टम ऑटोमेटेड तो वो ऊपर जा ही नहीं रहा था। तब उसके बाद जो है नीचे लैंड कर गया और उसके बाद जो है बैटरी को चार्ज में लगा दिए हैं। फिलहाल खाना पीना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कब उड़ाएंगे। वैसे अभी नहीं उड़ाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा सुबह से उड़ा चुके हैं कि बहुत डांट लग चुकी है। अब जो है सीधा खाना खाते हैं, बच्चे को पकड़ते हैं। क्या पिटेगा भी वो नहीं बोला क्योंकि ये बोला गया कि आप नहीं रखोगे तो पिटाई पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी। तो हमारा खाना लग चुका है जी। हमारा मन पसंदीदा आलू का भुजिया साथ में दाल, पापा उधर खा रहे हैं, लड्डू को भी भूख लगी है, लड्डू का भी खाना लगेगा। और इधर ये दोनों को देखिए अपने मस्त दुनिया में है। ये क्रियांश को ये मिल गया, नहीं सॉरी ये गतिक का है, क्रियांश का दूसरा है। ये जो है जा रहा है, अब देखिए क्रियांश आएगा आगे उसको लेने के लिए। चलो कोई बात नहीं, खाओ तुम। तो यहाँ पर गतिक जो है सो गया है और उधर क्रियांश भी सो गया है। और क्रियांश जो है आजकल दादी के गोद में ही सोता है, पहले पापा के साथ सो जाता था लेकिन अब पापा से सोता नहीं है अभी। और अभी बज रहे हैं जी दोपहर के 3, तो सोच रहे हैं कि कहीं पर बाहर जाया जाए क्योंकि आज है क्रिसमस का मौका। तो क्रिसमस के मौके पर सोच रहे हैं कि थोड़ा सा दिल्ली को घूम लिया जाए और आसपास कोई चर्च होगा तो वहां भी जाएंगे। हम लोग कहीं क्रिसमस में जो है बाहर घूमने जाने वाले थे लेकिन जो आप देख रहे होंगे हम लोग कहीं नहीं गए हैं। बहुत ज्यादा मूड ऑफ हो गया है। अपना जो है ड्रीम ड्रोन खरीदा था, 1.5 लाख के करीब जो है कॉस्ट पड़ा था और वह ड्रीम जो है आज क्या कहे पूरा होकर के फिर सब कुछ हो गया कूड़ा कबाड़ा। आज हम गए थे जी ट्रायल के लिए बाहर। ड्रोन में एक फीचर है क्विक शॉट का जिसमें आप जो है उसको क्लिक कर दीजिए और आपका जो है सिनेमेटिक फुटेज लेगा वो सर्कल करके, अलग अलग तरह का ऑप्शन होता है तो वही हम उसको ऑन कर दिए थे। और उसके बाद जो है सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन हम गलती क्या किए कि हम जो स्क्रीन की तरफ देखने लग गए और ड्रोन की तरफ नहीं देखे तो ड्रोन जो है जा करके पीछे का एक खंभा था उससे टकरा गया। अभी आप वीडियो को आगे देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। गिर गया लेकिन कोई बात नहीं, सीखेगा तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। क्या कहे जी, कल जाके ठीक करवा लेंगे उसको। क्या करते हैं उस फुटेज को पहले आप देख लीजिए उसके बाद फिर बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं जी आपने जो है उस फुटेज को देख लिया होगा और आपने देखा होगा कि कितना अच्छे से उड़ रहा था, सब कुछ सही चल रहा था लेकिन हमारा ध्यान जो था वो स्क्रीन पर था और स्क्रीन पर ध्यान होने की वजह से जो है पीछे जा करके वो एक खंभे से टकरा गया और अच्छी खासी हाइट से नीचे गिर गया था। हमने अपने तरफ से तो सही दिमाग लगाया था, ड्रोन को एकदम करीब लाए हुए थे और करीब ला करके सोचे कि इतने ही रेडियस में घूमेगा लेकिन हुआ क्या कि वह जो अपना रेडियस जो है ड्रोन खुद ब खुद बढ़ा लिया और वह थोड़ा पीछे जा करके फ्लाई करने लग गया, उसी चक्कर में जो है जा करके पीछे टकरा गया। तो जाते हैं कल चांदनी चौक और वहाँ पर ड्रोन सब रिपेयर करने वाला सब शॉप है तो उम्मीद करते हैं कि साइड कुछ जुगाड़ लग जाए। तो सामने है जी हमारा ड्रोन रखा हुआ, अभी भी देख रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बाकी सब कुछ ठीक है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए इसको पहले खोल देता हूँ। यह ड्रोन जो है प्रॉपरली काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। बस इसमें सीन क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। सीन हो रहा है कि यहाँ जो गिम्बल है ना, यह कैमरा जो अप डाउन करता है और हम जिसको लेफ्ट राइट करते हैं, इस गिम्बल में खराबी आ गई है। मैं जैसे ही यह रिमोट कंट्रोलर को ऑन करता हूं तो आपको मैं दिखाता हूं एक चीज। यहां तो लिखा है अनेबल टू टेक ऑफ लेकिन ये चलिए ये ठीक हो जाएगा। हाँ अब इसके बाद देखिए यह गिम्बल स्टक लिखा रहा है। बहुत कोशिश किया कि ठीक हो जाए लेकिन अपने से ठीक नहीं हुआ। इसमें स्क्रू ड्राइवर सब दिया हुआ है कि हम इसको खोल करके कर सकते हैं ठीक, लेकिन अपने से रिस्क नहीं लेना चाहते। कितना महंगा सामान है तो किसी प्रोफेशनल के पास ही जाएंगे जिनका यह काम ही है। अगर ठीक हो जाए तो ठीक है क्या कहे, नहीं तो चेंज करना। यहाँ देख सकते हैं जी डैमेज, इधर से टकरा गया ड्रोन, यहाँ का देख सकते हैं प्रॉपरली यहाँ ज्वाइंट है और यहाँ पर ये क्रैक हुआ है या अलग हुआ है, यह थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब जो भी हुआ है जी, अगर क्रैक हुआ होगा तो इसका पार्ट्स आएगा कि नहीं, क्या कहे DJI का पार्ट्स है ये, मिलेगा भी कि नहीं, तो जैसा होगा देखते हैं, कल चलते हैं फिर।
तो क्रियांश आ गया बाबा के पास और एकदम जिद करके आया हुआ है। बाबा को अपना काम था, काम कर रहे थे, लेकिन वो काम छोड़ करके अब लेना पड़ रहा है इसको। हाँ क्रियांश, बैग ले ले। अच्छा कथी है, बैग लेते हो? क्रियांश मतलब उसी में ड्रोन है, थोड़ा सा डैमेज है और डैमेज हो जाएगा। और ये सोया हुआ था अभी तक और अभी अभी जग गया है। बुंगी महाराज, कोई बुंगी, ये अपने मामा के पास जाने की तैयारी में है। लग रहा है, लग रहा है आएगा मेरे पास, आएगा आएगा, आ जाओ देख ले आने। The next day. तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 9:45 और कुछ देर पहले ही सो करके उठे हैं। ठंड इतनी तेज है कि पूछिए मत। मन नहीं कर रहा था कंबल से जो है बाहर निकले, लेकिन निकलना था ही। बहुत देर तक जो है टाल बटोल करने के बाद अब फाइनली कंबल से निकल गए। और यहाँ क्रियांश को देख सकते हैं, इसको क्या पहनाया गया है। जीजा जी का जो है टी शर्ट इसको पहना दिया गया है। सामने मम्मी को कुछ स्वेटर अभी दिख रहा था, सबसे अच्छा स्वेटर यही दिखा। ये देखो क्रियांश फूफाजी का पहना है टी शर्ट, ये खुद ही पहन रहा था, खुद पहन रहा था। अच्छा घुस दिया, घुस है बहुत। फूफा का टी शर्ट पहन के घुस है, क्योंकि ये पहनने में आराम हुआ इसमें, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। फैशन सभी इसको जरूरत नहीं है कोई भी। आराम आए, देख ले, देख ले, देखो 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 डांस देखो, आई चब्बा वो देखो, देखो 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 डांस कर रहा है, देखो देखो डांस कर रहा है, वो देखो राधे राधे कर रहा है, ये देखो ये राधे राधे, ओए होए होए राधे राधे। The next day. इधर है हमारा क्रियांश, देख सकते हैं इसकी नौटंकी, इसके बाल देखिए, बाल देखिए अपने बेटे का बाल, आप ठीक कर दो, फिर भी यही करेगा ये लड़का, ये देख लो, ये देखो बहुत गंदा लड़का, ये अपनी मम्मा को मारता है, यस बहुत गंदा लड़का है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखो बाल पकड़ के डांस कर रहा है। अरे ये क्रियांश, मम्मा को कोई पीटता है? हाँ पीटता है। तो चलते हैं बाहर, आज इसके दाऊ भैया का बर्थडे है ना, दाऊ भैया का बर्थडे। हाँ तो चलो, ये देख लीजिए अपने पोते का नौटंकी, नहीं नहीं पिया, दूध नहीं पी रहा है, ये देख लीजिए, दियो डंडा इसको, पीटिए, रो रहा था ना अभी। नमस्ते, आजा आजा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, देखिए अभी बड़े करा तो खुश हो रहा है। और इधर हमसे तो दूध नहीं पिया, डॉडी पोछा या दूध पीने के लिए। अच्छा दूध नहीं देती है, चीनी नहीं देती है, हमारे पोता को मिला के मिट्टू भी तो दूध नहीं होता है। और इधर हमारे गन्नू का केक, और इधर और ही दुखी हो रहा है क्योंकि हमको क्यों नहीं ले रहा है भाई साथ में सब। थोड़ी देर में आप भी चलेंगे, ठीक है। A few moments later. तो यहाँ पर जी केक हो चुका है तैयार, और केक जो है बहुत ही स्पेशल है, और साथ में जो है मोमोज और स्प्रिंग रोल से जो है लिखा गया है एट, और उधर लिखा गया एम, बस सब कुछ बिगाड़ देगा यार, मंथ और एट सब बिगड़ जाएगा। अरे बाप रे बाप, तो फोटो खींचना और वीडियो खींचना कितना मुश्किल है, यह सब कुछ रहती हुए आप समझ सकते हैं। ओए ये देखिए, उसमें तड़का लगा दिया एक और वो, हाँ तो केक देख सकते हैं, कुछ ऐसा केक है गतिक का, बहुत ही खूबसूरत सा केक, और सजा हुआ है ही पीछे, ये देख सकते हैं जी। होई यहाँ पे हमारा दोनों जुड़वा बैठा हुआ है, जो आप लोगों को पता है दोनों जुड़वा आज एक साथ है, एक साथ है। लो लो लो, हमला बोल दिया, सीख गए छीनना, यो बंदवाये को पकड़ कर दूसरो जाए, दोनों दोनों हमला कर देगा रोल पे। तो यहाँ पर जो है कैंडल हमारा जल चुका है, केक तैयार है, दोनों बच्चे तैयार हैं, सारे बड़े तैयार हैं, तब देरी किस बात की, सुन रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं हम भी तैयार हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 फूको फूको, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भैया, हैप्पी बर्थडे गतिक, ओए होए बढ़िया बर्थडे, ये बहुत ही फैंटास्टिक बर्थडे हो गया, थैंक यू, थैंक यू, क्लियर।
रियाज को खिला दो उसके हाथ से। ले 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 रियाज को कौन ले ले बुला दो ना ओली है ओली है भैया बुला दो मान लो ओली के बताओ ये देख सकते हैं इन दोनों का सेलिब्रेशन ऐसा सेलिब्रेशन हम लोगों का नहीं होता। ये काम बड़े मेरे पापा को किसी है ये काम बड़े मेरा मैं खुद से की काटूंगा। ओके वो भी की कैसे पूरा कटा है ये आज ये दे लो ये लो चक ओए तो यहाँ पर जी केक कट चुका है और किस स्टाइल में कटा होगा अभी आप लोगों ने देखा होगा। और ये देखिए गतिक को ये गतिक अब बच्चे बड़े हो चुके हैं अब खुद केक काट सकते हैं। और केक जो है हम लोग कटवा रहे थे लेकिन गतिक को था कि नहीं मेरा बर्थडे है देखो, देखो, देखो। और वो तो पहले ही हमला बोल दिया था और अभी भी है अभी भी इसी उम्मीद में कैमरा देख करके शरीर बन रहा है जल्दी से केक कट करो हैप्पी बर्थडे खिला रहे हैं। मम्मी मजा आया बुआ को खिलाओ प्रियांश अपने से बुआ को खिला चल ओए होए होए ये प्रियांश खिला रहा है भैया खिला ना मुंह में ना क्या दही भैया खिलाओ भैया खिलाओ भैया इधर भैया भैया इधर आ दादी खिला रहा है इसके नजदीक आएगा हमला बोलेगा ये बाबा खिला बाबा का बाबा खिलाओ 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 जल्दी जल्दी ये लो बाबा की सब गंदा लड़का हो गया। अभी इन दोनों की फोटो शूट की हमने बहुत सारी जो क्रियांश के इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेगा है ना गाँव भैया के साथ। और इधर हमें मिला हुआ है केक तो देख सकते हैं झपट रहा है केक के लिए सभी केक खा रहे हैं द्रौपदी देव भी खा रहे हैं तब केक खा रहे नहीं मजे में खा रहे हैं अच्छा खासा सेलिब्रेशन हो गया। तब उसके बाद जो है इंतजार है रोल का और मोमो खाने का पहले इसको खत्म करते हैं उसके बाद उसको भी निपटाया जाएगा। तो हमारा यहाँ पर मोमोज और रोल भी आ चुका है तो जल्दी सब इसको खाया जाए केक तो खा चुके हैं ही और लड्डू अपना केक छोड़ करके लगता है कहीं चला गया है तो आएगा तो अपना खाएगा फिलहाल हम लोग खाते हैं। मम्मी तुम भी अपना लो खाओ। हाँ तो ये तुम और जी आप पहले खाओ फिर हम बाद में खाएंगे। चलो ठीक है अभी बज रहे हैं जी रात के 1 और क्रियांश जो है अचानक से उठ गया लगभग 45 मिनट पहले और सभी लोग जो है सो रहे थे लेकिन अब जो है क्रियांश को सुलाने का प्रयास जारी है पिछले 45 मिनट से लेकिन क्रियांश कुछ भी नहीं मान रहा था। खूब टहलाए खूब सब कुछ किया गया लार दुलार गीत संगीत सब कुछ किया गया जो किया जा सकता था। इसको बोतल भी दिया गया ताकि दूध पी ले अपना दूध पी करके सो जाएगा लेकिन महाशय को दूध भी नहीं पीना है तो फिर सोचे कि क्या करना है तो इसको दे दिया गया वाकर। ये देखिए अब वाकर पर मजे में है अपना रोना धोना कुछ नहीं। हाँ ये देखिए उधर दादी सोई हुई है इधर हम बैठे हुए हैं। दादी के पास जा रहा है पहुंच गया दादी के पास। जितना भी यहाँ मैट था सबको हटा दिया गया है ताकि इसको जो है कोई भी असुविधा नहीं हो चलने में एकदम बिना रुकावट के यह चलता रहे है ना। क्या देख रहा है इधर क्या देख रहा है क्या देख रहा है तू यहाँ क्या है क्रियांश कुछ नहीं है क्रियांश कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे क्या देख रहा है यहाँ पे। हाँ